वेलकम बैक टू चैनल, इट्स विकास कोचिंग वॉइस टेक्स। वैसे इस वीडियो में आपको बताने वाला कि यहाँ पे इंडियन पोस्ट ऑफिस जो कि वहाँ पे एक बैंक अकाउंटिंग वाली भी सुविधा है, जहाँ से आप इंडियन पोस्ट ऑफिस के जरिए बैंकिंग भी यूज कर सकते हैं, जहाँ पे उसके कुछ पासबुक मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे इंडियन पोस्ट ऑफिस ने अपना एक न्यू ऐप लाया है, जहाँ पे गाइस आप नेट बैंकिंग वहीं से यूज कर सकते हैं, बहुत सारी बचत कर सकते हैं, वो भी अपने पोस्ट ऑफिस की जो बैंकिंग है उसे आप मोबाइल बैंकिंग में कर सकते हो। यहाँ से आप कुछ भी पेमेंट पैसे कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि आप मतलब सिंपल बैंकिंग का नेट बैंकिंग के लिए पैसे यूज करते हैं। और गाइस इस ऐप में बहुत सारे आप काम कर सकते हैं, वो भी अपने पोस्ट ऑफिस वाले बैंक में। सो इस वीडियो में आपको इसी ऐप के बारे में बताएंगे कैसे आप इसने अपना यूज कर सकते हैं। सो इसके लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए, और अगर आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बिल्कुल अंदर तुम्हारी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तो चलेगा। इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस चलिए आपको बता दें, गाइस यहाँ पे इंडियन पोस्ट ऑफिस जो कि मतलब जहाँ से हम पोस्टिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे इंडियन पोस्ट ऑफिस में एक बैंकिंग वाली भी सुविधा है, जहाँ से हम बैंकिंग के लिए भी कर सकते हैं। और यहाँ पे नेट बैंकिंग है, जहाँ से आप मतलब कोई दूर से पैसे भेजता है, जैसे पोस्ट कोई भेजता है वहीं से वहाँ पे पैसे भी भेजे जा सकते हैं, और इंडियन पोस्ट ऑफिस पे जाके आप बैंकिंग जैसे पैसे निकाल भी सकते हैं। सो यहाँ पे जो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, तो यहाँ पे इस समय जो मोबाइल बैंकिंग चल रहा है जो कि हर एक बैंक का चल रहा है, सो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस की भी मतलब बैंकिंग चालू हो गई है। और पोस्ट ऑफिस का भी जो इंडियन पोस्ट ऑफिस की बैंकिंग सुविधा है, यहाँ पे इसका एक ऐप को लॉन्च किया गया जो कि 15 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था, और ये ऐप आपको मदद करेगा। इसमें आपके बैंकिंग में काफ़ी सारे सेविंग्स के लिए बचत के लिए बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प करेगा, और इन्वेस्टमेंट और या आप यहाँ से गाइस ऑनलाइन बैंकिंग अपना बैंकिंग का सारा कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, और मतलब हर एक काम आप इस एप्लीकेशन की मदद से कर सकते हैं जो आपको पोस्ट ऑफिस जाके करना पड़ता है। बिल्कुल ही मतलब आसान इजी तरीके से आप बड़े आराम से अपने फ़ोन से पोस्ट ऑफिस बैंकिंग वाली सुविधा को यूज कर सकते हैं। सो गाइस इस चलिए आपको बताते हैं कि आप कैसे इसे यूज कर सकते हैं। सो गाइस चलिए आपको बताते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में जो इंडियन पोस्ट का एप्लीकेशन है इसकी लिंक मिल जाएगी, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली गूगल प्ले पर सर्च करके भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बारे में बताता हूँ। लेकिन गैस जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आप अपना MPIN डाल के एक्टिवेट कर लेंगे, उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे अकाउंट वाला ऑप्शन मिलता है, ट्रांसफ़र पेमेंट एंड चेक रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे मतलब ये सारे ऑप्शन है जो आपको नेट बैंकिंग वाले एप्लीकेशन में मिल जाते हैं, जो कि इसमें नेट बैंकिंग चलता है, तो इन सारे ऑप्शन तो आप रिलेटेड होंगे ही, आप यहाँ से सारे चीज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सेविंग अकाउंट, आपको जो भी आपके पास अकाउंट है आप वो चूज कर सकते हैं। यहाँ पे अपना बिल पेमेंट यहीं से कर सकते हैं, जो कि आप रिचार्ज या फिर कोई भी पेमेंट आप यहीं से कर सकते हैं। और इसके बाद आप अपने अकाउंट की इंक्वायरी भी कर सकते हैं कि कितना कितना सब कुछ मतलब पैसा ऐड हुआ है, सब कुछ देख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब कितना बैलेंस है, हर एक चीज़ यहाँ पे दिखा देता है, जो कि इंक्वायरी सेक्शन में आप आके कर सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको डिपॉजिट वाला अमाउंट भी मिल जाता है, मतलब कि आप यहाँ से डायरेक्टली किसी भी अकाउंट में पैसा डिपॉजिट भी कर सकते हैं। सो गाइस यही कुछ है इस पोस्ट ऑफिस वाले बैंकिंग का। सो आई होप अब तक तो आप समझ गए होंगे कि आप इंडियन पोस्ट ऑफिस जो कि बैंकिंग सुविधा जो कि जिसका एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है, तो इससे आप कैसे अपने इंडियन पोस्ट ऑफिस के बैंक को कंट्रोलिंग कर सकते हैं। बहुत ही इजी ट्रिक्स है, और ये जो एप्लीकेशन है काफ़ी कम स्टोरेज है, क्योंकि अभी न्यू एप्लीकेशन है, धीरे धीरे डेवलपमेंट पे जब जाएगा सो यहाँ पे इसकी स्टोरेज को बढ़ा दिया जाएगा, और उसके बाद और सारे फीचर्स आएंगे। लेकिन इसमें अभी बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जो कि यूजिंग के लिए नेट बैंकिंग के लिए। सो यही कुछ है इस वीडियो में। और गाइस ये जो मतलब नेट बैंकिंग एप्लीकेशन से बहुत ही यूजफुल है उन मतलब पोस्ट ऑफिस जिनके पास इंडियन पोस्ट का बैंक है उनके लिए बहुत ही यूजफुल है। जो काम करने वो पोस्ट ऑफिस जाते थे, टाइम्स लगते थे, लेकिन यहाँ पे स्पेंड नहीं होगा, आप डायरेक्ट अपने एप्लीकेशन की मदद से सब कुछ कंट्रोलिंग कर सकते हैं। सो यही कुछ हम आपको बताना चाहते थे, और एप्लीकेशन के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर चेकआउट करेगा अगर आपके पास इंडियन पोस्ट ऑफिस का बैंक है तो। सो आई होप आपको वीडियो पसंद है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिए, और कौन सा वीडियो कैसी लगी, और अगर आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और बिल्कुल और वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे आप तो मुझे मिलते हैं अगली वीडियो में। डू समथिंग न्यू, डू समथिंग डिफरेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।